हेलो एवरीवन, तो आज फिर एक नया ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आया। तो आज का जो ब्लॉग है ये दुर्गा पूजा के ऊपर, जो कि कोलकाता आए और दुर्गा पूजा का मज़ा नहीं लिए तो कुछ नहीं किए, क्योंकि कोलकाता पूरा इंडिया में सबसे फेमस दुर्गा पूजा जो है कोलकाता का माना जाता है। तो अभी हम लोग जो है अंदर चलेंगे, जो कि एंट्री गेट आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से, अंदर भी जा करके दिखलाएंगे। तो एंट्री गेट देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, प्लस अंदर का नज़ारा अभी हम भी नहीं देखे हैं, चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं। तो प्लीज़ अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, और भीड़ भी बहुत है, आप लोग देख सकते हैं भीड़। और ये जो इसका जो इसे जो सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, थोड़ा टच करके देख ले, ये जो है ये लकड़ी है, रियल लकड़ी है, रियल लकड़ी, उसके ऊपर जो है लाइट दिया गया है, जो कि बाहर से देखने के बाद और अंदर आने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, और कोलकाता जब आएँ तो कोलकाता आने के बाद अब दुर्गा पूजा नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे, जो कि पूरा इंडिया में सबसे फेमस आपको जो है दुर्गा पूजा जो है कोलकाता का ही है। तो कोलकाता आने के बाद जब भी आप आएँ तो दुर्गा पूजा के ही टाइम में आए, मेरे ख्याल से पूरा कोलकाता गली गली जो है आप लोगों को जो है, छोटा से छोटा गली हो या फिर बड़ा से बड़ा गली हो, आपको गली गली सजा हुआ मिलेगा। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जा करके अंदर का नज़ारा दिखलाएंगे किस टाइप का, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है, जो कि पहले बुर्ज खलीफा पिछले साल जो था बुर्ज खलीफा टाइप का एक बना था, और इस बार जो है कुछ अलग टाइप का बना है। तो हर एक साल जो है यूनिक होता, कुछ हट के होता। तो ये एंट्री गेट जब आप आने के बाद देख सकते हैं, एंट्री गेट ऊपर जो है दीप जो होता है, दीप जला हुआ ऊपर दीप है, और उसके बाद जो है हर एक तरफ जो है दीप जलाओ, जो कि ये सब लाइट में है, बिजली कनेक्शन में है, जो कि देखने में लग रहा है जैसे कि पूरा रियल है। आप लोग देख सकते हैं रियल टाइप का लग रहा है। ठीक, वो जगह पे अलाउ नहीं था उस साइड में जाने के लिए, इसके वजह से, क्योंकि कुछ लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अंदर ढुकते ही आप लोग देखिए, अंदर ढुकते ही देख सकते हैं क्या बनाया, क्या खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इधर आप लोगों को इधर मिल जाएंगे, जो कि जो आप अपना जो नृत्य कला जो बोलते हैं अपना कला दिखलाने के लिए, वो इधर मिल जाएंगे। और अंदर ढुके हैं तो पूरा ठंडा इधर मिलेगा, पूरा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे काजल दा, तो इनसे हम पूछेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि हम तो बंगाल से नहीं हैं तो यहाँ के बारे में हमें नहीं पता, जो कि ये जो है कोलकाता से वेस्ट बंगाल से ही है। तो इनसे एक बार हम पूछेंगे कि क्या है यहाँ का जो है कल्चर, कैसा दुर्गा पूजा का कल्चर कैसा होता नहीं होता, वो हम पूछेंगे। फ़िलहाल वो अभी फ़ोटोशूट कराने में बिज़ी है, तो बाद में पूछेंगे। तो चलिए अभी हम सामने भी चलते हैं, सामने में चलने के बाद फिर हम दिखलाते हैं इससे भी बढ़िया खूबसूरत तरीके से यहाँ कोलकाता में होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं उधर उन लोग का जो है उधर मंदिर है, और उस साइड इधर भी जो है मंदिर है, जो कि ये जो पानी है रियल पानी का बौछार है। अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पर हम आप लोगों को दिखला रहे हैं रियल, ये जो पानी जो है रियल पानी का फव्वारा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो कुछ जो है घड़ा जो होता है मिट्टी का घड़ा, थोड़ा सा नहीं, ठीक नज़दीक नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं वो सब जो है, ये सब रियल ही लग रहा है, ऐसे हम भी कंफ्यूज है लेकिन रियल ही है शायद। उसके बाद में एक दो रोज़ के बाद इसे चेंज कर दिया जाता होगा। ये धान भी यहाँ पर रियल ही आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये सब जो है ये पूरा रियल है, पानी का जो ऊपर से फव्वारा आ रहा वो भी रियल है। तो चलिए अभी हम अब जो है काजल दास से इनके बारे में पता करते हैं, इनके बारे में। ये काजल दा ये आ गए, तो काजल दा आप इनके बारे में बतला सकते हैं। हाँ। ये दुर्गा पूजा का क्या ये है? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, थोड़ा साइड में चलते हैं, उस साइड में जाने के बाद ये दुर्गा पूजा के बारे में जो है काजल दास से जो है पता करते हैं, पूछते हैं। तो इधर आइएगा काजल दा, इस साइड में सबसे सेफ जगह होगा, इधर यहाँ पे आ जाइए। और नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, थोड़ा बाउंडली बोलिएगा ज़ोर से, आप अपने बंगाली लैंग्वेज में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता का नौपारा क्लब, दमदम से 2 किलोमीटर दूर कोलकाता का नौपारा क्लब जो होता है, हर एक क्लब हर एक एरिया का होता, तो ये नौपारा एरिया का। तो देखिए
जी। और ये जो यहाँ जो नंबरिंग होता होगा कि एक नंबर पे कहाँ का आया, दो नंबर का कहाँ पे आया, तो ये जो जगह है ये कितना नंबर पे आता है पूरा कोलकाता में? पूरा कोलकाता ना, पूरा वेस्ट बेंगल, पूरा वेस्ट बेंगल जो टॉप 10 दुर्गा पूजा होते तार मध्य एटा গতবার 2 নম্বরে ছিল, এবার জানি না কতটা হবে, আশা করি এবারেও হবে। জি, পিছলে বার 2 নম্বর পে ইয়ে জায়গা আয়া। হ্যাঁ, এটা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারে অনেকেই। और पिछले बार, हाँ जी, पिछले बार ये 2 नंबर पे आया था पूरा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2 नंबर पे। लेकिन इस बार क्या आता है नहीं पता, इस बार भी आए एक नंबर पे। एक एक दुर्गा पूजा करोड़ों रुपया बजट होता है, करोड़ों रुपया, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कितना मिलता है इसमें, जैसे कि सब्सिडी जो होता है कुछ पैकेज 80,000, जहाँ तक पता है आपको, इससे बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता, लेकिन 80,000 यहाँ तक सुना 80,000 मिलता, तो 80,000 में तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन कमेटी के थ्रू, क्लब के थ्रू जो है इसमें कुछ ज़्यादा ही है। जी कोलकाता ये तो अब एग्जिट गेट है, ये बाहर तो बाहर का आप लोगों को दिखला देंगे बाहर का, जो कि पूरी तरह से सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक घर आपको सजा हुआ मिलेगा। तो ये वो वाला वीडियो जो है लास्ट में हम डाल देंगे, वो एक एक घर आपको सजा हुआ मिलेगा। जब आप कोलकाता आएँ तो दुर्गा पूजा के ही टाइम में आए, क्योंकि छोटा से छोटा गली जो होगा वो गली भी सजा हुआ मिलेगा, और अच्छा सिटी एरिया भी सारा का सारा आपको सजा हुआ मिलेगा, क्योंकि कोलकाता पूरा इंडिया में सबसे फेमस जो है पूजा माना जाता है, तो दुर्गा पूजा को। तो अभी तो कुछ नहीं है, आज का जो डेट है 7 तारीख है, इसके वजह से अभी तो कुछ खास भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत होगा, इतना होगा कि आपको एक कदम चल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा।